मीडिया साथियों को नमस्कार। आज हम लोग जो 12 और 13 तारीख की नाइट में तेथाकला गांव में बल्लाराम जी पुरोहित के घर पे जो लूट की वारदात हुई थी उसका खुलासा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 12 और 13 की नाइट में चार अज्ञात बदमाशों द्वारा रात्रि के अंदर बल्लाराम जी और उसकी पत्नी को बंधक बना के मारपीट करके और करीब 118 तोला सोना और चांदी और नकदी ले जाने का उन्होंने FIR दर्ज करवाया, जिस पर तुरंत घटनास्थल पर सभी सीनियर ऑफिसर्स, मैं एडिशनल SP मोटा राम जी, CO साहब, मैं अपने गौतम जी, महेंद्र SHO, भूपेंद्र जी एडिशनल SP, जो त्वरित अनुसंधान दल है, MOB टीम, DST टीम तथा हमारी जो टेक्निकल टीम जोधपुर से FSL की टीम, जो बाड़मेर से FSL की टीम को बुलाया और डॉग स्क्वाड को बुलाया। तो उस दिन हमारे को काफ़ी सारे जो सभी अधिकारियों ने सभी टीमों ने बहुत गहनता से उसका अनुसंधान किया, तो कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मौके पर से मिले और उनको एकत्रित करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी सभी टीमों ने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए करीब 200 के लगभग कैमरे खंगाले, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए तथा आसपास के जो सूत्र सूचनाएं थी उनको एकत्रित की और दो जो बदमाशान थे उनको आज गिरफ्तार किया है। और दोनों बदमाशान छगनाराम पुत्र अमराराम और एक मालाराम पुत्र अमराराम देताकला के रहने वाले हैं। और मैं जैसे कि आप लोग उस दिन भी पूछ रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि इस घटना से पहले उन्होंने पक्का रैकी की होगी। इनमें जो ये छगनाराम है इसने वहाँ पे कुछ दिन के लिए काम किया था, कुछ मिट्टी वगैरह भराव का काम किया था, तब इसने पूरी रैकी की थी घर में, कहाँ ये सोना चांदी या मूल्यवान वस्तु या पैसे वगैरह रखते हैं और उनको कैसे ये लूटपाट करनी है, इसका उन्होंने पहले प्लानिंग कर लिया था। और इसमें जो दो बदमाशान हैं, वो तीसरा बदमाश है, वो यहाँ से लूट की वारदात करने के बाद में साउथ में भागने की कोशिश में था और वो चित्तौड़गढ़ में MD और अफीम के साथ में गिरफ्तार हो चुका है, उसको भी पुलिस लेके आ रही है। और चौथा जो बदमाश था वो भी अभी जानकारी मिली है कि वो भी साउथ में है, मुंबई वगैरह की तरफ जाने का उसकी सूचना मिली, जिसके पीछे की टीम हमारी गई हुई है। और आरोपी इसमें चार आरोपी जो मौके पे ही जो फुटप्रिंट्स मिले थे, फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उसमें चार आरोपी थे और उन चारों आरोपी को हमने नामजद कर लिया, जिसमें दो को गिरफ्तार कर लिया, दो के लिए भी टीमें लगी हुई और एक को चित्तौड़गढ़ में गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में जो गिरफ्तार किया वो अपनी पुलिस ने किया है या वहाँ की? वहीं की पुलिस ने किया है, वहीं की पुलिस ने किया। वो गाड़ी लेके यहाँ से फरार हो रहा था और उसके बारे में सूचना थी और उन्होंने दस्तियाब किया, तो उनके पास में MD मिली, तो उन्होंने MD और अफीम के साथ में गिरफ्तार। माल बरामदगी हुई है क्या कुछ अभी? चूंकि आज ही गिरफ्तार किया गया, आगे के जो जहाँ जहाँ माल कहाँ ले गए हैं और किसको बेचा है उसके संबंध में अभी अनुसंधान किया जाए। ये जो इनके घर में काम कर रहा था मुख्य आरोपी है या इन्होंने दूसरों के माध्यम से काम? नहीं, ये मुख्य आरोपी, ये दो तो भाई है ना, ये सब दोनों भाई है, दोनों साथ थे। कालूराम भी इनका भाई है, कालूराम मासी का लड़का, मासी का लड़का, मतलब वो मासी का लड़का, तीन तो सगे, दो तो सगे भाई है, एक मासी का लड़का है, एक जो भरत है वो पहले से ही कालूराम के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, लूट के मुकदमे दर्ज हैं, गुजरात में दर्ज हैं, और एक तीसरा, ये चौथा जो साहिला है, सारे लोकल जो इनके घर में ये काम कर रहा था, छगनाराम ने जो घर में काम नहीं करा, छगनाराम ने वहाँ कुछ मिट्टी वगैरह भराव का काम किया, मिट्टी भराव का काम करने के लिए, तो वो पूरी रैकी कर ली उसने। इसके JCB और ट्रैक्टर है, JCB और ट्रैक्टर है इसके छगनाराम। और इसमें जो मुख्य बात यह है कि जो टीम है, उन टीम ने जब ये लोग मौके पे सब कुछ अपना बंद वगैरह करके आए, लेकिन जो टीम ने भारी करीब 40 किलोमीटर का आवरण देखा तो इनकी गतिविधियां नजर आई, 40 किलोमीटर तक बाहर जाने की इनकी गतिविधियां नजर आई रात्रि में, तब उन टीमों ने इस पर काम करके इसको इनको दस्तियाब किया। जो सोना था वो सारे जेवरात थे या बिस्किट वगैरह भी थे? अभी तक सोने के जेवरात की ही उन्होंने वो लिखित में दिया, सोने के जेवरात। अब हम जनका और आप लोगों का सहयोग मैं बहुत अपेक्षित मानता हूँ, इसमें जो भी हमारे जो सर्दियाँ बढ़ती हैं, सर्दी बढ़ने के साथ ही वारदातों में वृद्धि होती है, और इसमें जो आमजन और प्रवासी बंधु से अपील है कि वो मूल्यवान संपत्ति जेवरात और नकदी बंद मकानों में नहीं रखें और वो यदि बैंक लॉकर में रखें तो अच्छा।
अच्छा रहेगा। दूसरा, प्रवासी बंधुओं से मेरा ये भी है कि जो बंद मकान है उनके लिए CCTV कैमरे से वो खुद वहाँ बैठे हुए अपने मकानों को मॉनिटर कर सकते हैं और उससे यदि कोई वारदात की तरह खुलासा करने में मदद मिल सकती है। तो मेरी दूसरी अपील ये है कि यदि वो आप जो बंद मकान है उनके आसपास अपने घर के आसपास CCTV कैमरा लगा दें, आपको ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकती है और उससे यदि कोई वारदात जाती है पुलिस को उससे मदद मिलती है। और तीसरा, जो घरेलू काम रख लोग हैं, अन्य मजदूरी करने वाले मजदूर आते हैं, उनको किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से रखवाएं ताकि वो जो भी कोई कमटे का काम करने वाला आता है या और काम करने वाला होता है तो ताकि उसके बारे में जानकारी रहे और उसकी फोटो वगैरह भी हो सके तो संभव हो उसका फोटो और वेरिफिकेशन भी करवा लेना अच्छा रहेगा। ये मेरी आप लोगों से, और अनजान और संदिग्ध व्यक्ति जब गाँव में दिन में या शाम को या पहले मूवमेंट करता है तो उसके बारे में भी यदि आपके जानकारी में आए तो संबंधित पुलिस स्टेशन को या हमें अवगत कराएं ताकि हम उसका पीछा किया जाकर उनको दस्तयाब। ये जो आरोपी है ये पूर्व में भी